लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। फूलल सतोप। टनल निर्माण के दौरान छोड़ी गई खामियों के कारण यहां चट्टाने गिरने का सिलसिला पिछले 3 साल से जारी है। टनल की खामियां दूर करने एलएनडीटी ने 3 साल पहले लिया था शपथ पत्र। केवल लाइटें लगी, न पानी का रिसाव रोका और न ही सुरक्षा दीवार बनाई सिरोही। टनल निर्माण के दौरान छोड़ी गई खामियों के कारण यहां चट्टाने गिरने का सिलसिला पिछले 3 साल से जारी है। जानिए वे तमाम उपाय जो यहां होने चाहिए लेकिन है नहीं। सीसीटीवी कैमरे टनल में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए लेकिन यहां कोई कैमरे नहीं लगे हैं, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में फुटेज मिल सके। कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। उथमंड निवासी पालाराम पुत्र लक्ष्मण सरगरा ने कोतवाली थाने में शुक्रवार देर रात को एलएनडीटी के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है। सीआईजीआर गोदारा के अनुसार कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट में पालाराम सरगरा ने बताया कि उसके भतीज उथमंड निवासी उत्तम महेंद्र कुमार व देवी सिंह और पसालिया निवासी महेंद्र कुमार को टोल प्लाजा पर कार्य करने का कहकर सिरोही टनल पर ले गए। वहां टनल के ऊपर कार्य कर रहे थे। इसी टनल के ऊपर फोकलैंड मशीन पर चालक लक्ष्मण घरासिया भी कार्य कर रहा था। उन्हें बिना किसी सूचना व संकेत के फोकलैंड चालक घरासिया ने मलबा टनल के ऊपर के हिस्से में गिरा दिया। इससे उत्तम महेंद्र कुमार, देवी सिंह व महेंद्र की मौत हो गई। इस मामले में एलएनडीटी अधिकारी हेमंत शर्मा, शैलेश शुक्ला, संजय मारवाड़ी, मूलचंद, सुनील दीक्षित, भगवत सिंह जाखोड़ा की लापरवाही को मौत का जिम्मेदार बताया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर आग जैसे हादसे रोकने के लिए सिरोही टनल में ऐसा कोई इंतजाम नहीं। कभी भी किसी भी हादसे से यहां से गुजरने वाले वाहन में ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सेंसर संचालित फैन ये धुआं को हवा के हिसाब से बाहर निकाल देते हैं। ये पंखे हवा की दिशा के सेंसर से चलते हैं। इस टनल में ऐसे कोई फैन नहीं लगे हैं। चट्टाने गिरी, प्रदर्शन हुए, 3 बार टोल बंद रहा, नतीजा केवल आश्वासन मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिरोही की इस टनल में चट्टाने क्यों गिरती हैं? इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया जाता? दरअसल इसका कारण स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है। चट्टाने गिरने पर स्थानीय नागरिकों ने आंदोलन किया, 3 बार टोल वसूली बंद करवाई। 14 अगस्त 2015 को सर्किट हाउस में मंत्री की मौजूदगी में एलएनडीटी के अधिकारियों की बैठक हुई। पूरी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। अलबत्ता अधिकारियों ने यह जरूर माना कि हाईवे में कमियां हैं। इन्हीं कमियों के विरोध में हाईवे पर 31 जुलाई को 7 से 15 अगस्त तक और 17 से 25 अगस्त 2015 तक टोल वसूली बंद रही। शपथ पत्र दिया था सब सही करेंगे, इसके बाद प्रशासन भी भूला और कंपनी भी। हाईवे बनने के बाद मानसून की पहली ही बारिश में टनल टपकने और जगह जगह पत्थर गिरने समेत हाईवे के टूटने के मामले को लेकर जनाक्रोश भड़का था, जिस पर तत्कालीन कलेक्टर वी सरवन कुमार ने 18 अगस्त 2015 को सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एलएनडीटी कंपनी को नोटिस भेजकर टोल वसूली बंद करने को कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई 25 अगस्त 2015 को हुई, जिसमें कंपनी के प्रतिनिधियों ने एक शपथ पत्र पेश किया कि हम कमियों को दूर करेंगे। इस शपथ पत्र के बाद टनल में केवल लाइटें लगी, चट्टाने गिरने और पानी के रिसाव का सिलसिला आज भी जारी है। 4 श्रमिकों की मौत से जिंदा हुए 5 बड़े सवाल, क्या प्रशासन जांच करेगा इन कारणों की? 1, क्या इन श्रमिकों को इतनी खतरनाक